हेलो एवरीवन, मैं साधना। वेलकम टू माय चैनल यम्मी पकाओ यम्मी खाओ। आज मैं ग्रीन फॉरेस्ट केक बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही बढ़िया बन जाता है घर में और इसकी आइसिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। करने के बाद हम इसे और डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जो हमारा दूध बचा हुआ था, हम सब दूध ऐड कर देंगे इसमें, यानी पूरी एक कटोरी दूध हमारी लगी इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गांठ ना पड़े। मेजरमेंट हमारा सही होगा तो केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए, और ये एक साइड से ही चलाना है हमें। एक साइड से ही चलाते हुए ऐसे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए, और ये ग्रीन कलर है, फूड कलर, इसको मैं यूज कर रही हूँ। आप ग्रीन लिक्विड फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ग्रीन ग्रीन हमारा हो जाएगा पेस्ट। ग्रीन फॉरेस्ट केक है तो ग्रीन तो इम्पोर्टेंट है इसमें। ये देखिए पूरा मिक्स हो गया ग्रीन, और बैटर हमारा इस कंडीशन में आ गया है। देखिए बहुत बढ़िया ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए, जब हम चलाते हैं तो चलाने के बाद जब छोड़ेंगे तो इसमें बबल सा दिख रहा है। ये बबल आ गया, इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक छोटा सा कटोरा या मोल्ड ले लेंगे, इसमें चारों तरफ से तेल लगा लेंगे। और ये बटर पेपर है, इसके अंदर बटर पेपर यूज करेंगे, या बिना बटर पेपर के भी आप बना सकते हैं। अब इसमें हम सभी पेस्ट को डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये मैंने गैस पे 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये गर्म हो चुका है, प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर नमक है, एक छोटी कटोरी से मैं नमक डाल दी थी, अंदर डालेंगे। उसी के ऊपर मैं कटोरी डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक स्टैंड डाल के भी कटोरी को डाल सकते हैं मोल्ड को। और इसको ऊपर से ढक देंगे और आंच को बिल्कुल सिम कर देना है।
और इसे हमें 25 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसे 25 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये देखिए हमारा 25 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया पक गया है। अब इसके अंदर एक चाकू या पिन डाल के आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा सा चाकू है, इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा केक रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे यूज करेंगे। देखिए केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, साइड साइड से ये छोड़ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम चाकू की मदद से चारों तरफ से हल्का हल्का चाकू लगा के इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से साइड साइड से चाकू लगाते जाएंगे और इसे थोड़ा मोल्ड से अलग कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए निकल गया हमारा केक। इसके ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे और केक को पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए बहुत स्पंजी बना हुआ है, बहुत बढ़िया केक बना हुआ है, लुक भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसको हम कट कर लेंगे बीच से। हमें आइसिंग करना है तो हम पहले ही कट करके रख लेते हैं। ये देखिए हमने बीचों बीच से अच्छे से कट कर लिया है इसको। ये देखिए कट हो गया, अब इसको साइड में रख देंगे। ये व्हिप क्रीम है, आप कोई भी व्हिप क्रीम यूज कर सकते हैं। और ये ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर, और इसके ऊपर व्हिप क्रीम मैंने डाल रखा है दूसरे कटोरे में। आधा पैकेट मैंने यूज किया है। अब इसको बेटर की मदद से हम इसे व्हिप करेंगे। कम से कम 10 मिनट लगेगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर मैं शुगर ऐड करूंगी। आप चाहें तो विदाउट शुगर भी व्हिप कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया रेडी हो गया हमारा क्रीम। ये देखिए बहुत ही गाढ़ा सा हो गया, बिल्कुल थिक। अगर इस कटोरी को पलट भी देंगे तो ये नहीं गिरेगा, इतना थिक हुआ है। ये देखिए नहीं गिरा ना, ये इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब आइसिंग करते हैं। हमने केक को कट कर लिया था, अब इसके ऊपर चीनी और पानी का घोल डालेंगे मिश्रण, जो हम रेडी करके रख लेंगे पहले से ही। इससे केक हमारा बहुत सॉफ्ट बनता है। ये देखिए मैंने चारों तरफ से फैला लिया चीनी और पानी के मिश्रण को। अब इसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। ये देखिए चारों तरफ इसको अच्छे से फैला लेना है हमें। पूरा कवर हो जाए। ये देखिए चारों तरफ से इसे मैंने फैला लिया है। देखिए बहुत बढ़िया लगेगा क्रीम हमारा जब बीच में आता है तो, और ऊपर से एक और लेयर रखेंगे। 2 लेयर का ही है ये। ऊपर से मैंने कट नहीं किया है, आप चाहें तो कट कर सकते हैं, लेकिन कट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट बना है। ऊपर से फिर एक और लेयर देंगे और चारों तरफ से इसे मिला लेंगे। ये देखिए ऊपर से भर भर के क्रीम डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और साइड में भी कर लेना है हमें, क्रीम से साइड में भी कवर करना है। देखिए आइसिंग करना बहुत ही आसान है, इजी है।
आप घर में भी आइसिंग कर सकते हैं, केक बनाइए उसकी आइसिंग कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है आइसिंग, कोई दिक्कत नहीं होती है आइसिंग करने में। अब इसको चारों तरफ से हम इसे चिकना कर लेंगे। अब इसे हमें बस फ्लैट करना है, चिकना हो जाएगा। ये ऊपर से हम साइड साइड से इसको फ्लैट कर लेंगे कि एक बराबर में ये हो जाए। ये देखिए, ये देखिए ये हो गया बहुत बढ़िया से। अब इसे हम फिर साइड से भी कर लेंगे बंद कर। हो गया हमारा फिनिशिंग। हम नीचे के साइड जो इधर उधर लग गया उसको हम साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे। किचन टॉवल से पोंछ सकते हैं या किसी भी चीज से आप पोंछ सकते हैं, साफ करना है। और ये देखिए, हमें ग्रीन कलर चाहिए इसलिए मैं इसमें फूड कलर मिक्स करूंगी। जो क्रीम हमारा बच गया था आधा, तो हमें ऊपर से इसको शेप के फ्लावर बनाना है इसलिए ग्रीन कलर। देखिए मैं फ्रिज में 10 मिनट के लिए इसको रख देती। देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है ये, आप भी रख दीजिएगा फ्रिज में बनाइएगा तो। और ये इसको भी मैं फ्रिज में रख देती ग्रीन कलर वाले को, क्रीम को। और ये भी बहुत ही थिक हो गया है, इसे हम जब फ्लावर बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। ये देखिए, उसके लिए मैं एक यहाँ पे पोलोथीन ली हूँ, जो पोलोथीन दाल का आता है या कोई भी चीज़ आती है ना मार्केट से, वो पोलोथीन है। इसके साइड से कॉर्नर निकला हुआ है इसलिए हम इस पोलोथीन को पलट लेंगे। घर से ही पोलोथीन को हम यूज कर रहे हैं, और इसको पलट के इसका कॉर्नर सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे करना है कि बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और इसमें हम ये नोजल डालेंगे, जो भी आप चाहें जिस शेप में डालना चाहें उस शेप का डाल सकते हैं। और इसके ऊपर का पार्ट थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि नोजल हमारा आधे पे आके अटक जाए और अच्छे से सेट हो जाए। इसमें थोड़ा सा कट करेंगे और नोजल को इसमें टाइटली सेट कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब एक ग्लास लेंगे, इसके अंदर इसको डाल के पोलोथीन को पलट लेंगे आधा। ये देखिए अब इसके अंदर हम क्रीम को डालेंगे, ग्रीन वाले को इसके अंदर हम भर देंगे। इस तरीके से इसको भर देना है और इस पोलोथीन को फिर ऊपर करके क्रीम को नीचे के साइड में दबा लेना है। देखिए बहुत अच्छी तरह से आ गया। अब इससे हम इस पर कोई भी डिजाइनिंग दे सकते हैं।
ग्रीन फॉरेस्ट केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए बर्थडे पे बनाइए, किसी ओकेजन पे बनाइए और इंजॉय कीजिए। और आप लोग को पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।